आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मेनू में जब आलू मटर का रहता है तो हम लोग सोचते हैं कि साथ में अगर पुलाव हो या फिर फ्राइड राइस हो तो और भी बढ़िया होगी। और सोचने की क्या बात है, अच्छा रख लेते हैं फ्राइड राइस, आज आलू मटर करी और फ्राइड राइस बनेगी। तो फ्रेंड्स, बेंगोली कम्युनिटी में अगर हर घर में अगर मटन का एक पसंदीदा डिश हो वो है आलू मटर करी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, आप एंड तक बने रहिए। दो रेसिपी आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं और बहुत ही कम समय में। तो फ्रेंड्स, चलिए रेसिपी को देर ना करते हुए शुरू करते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब। सबसे पहले फ्राइड राइस बनाने के लिए फ्राइड राइस के चावल चढ़ाएंगे तो उबले हुए पानी में जाएगा जीरा, लौंग, इलायच, दालचीनी और तेजपत्ते। पानी में सारे खड़े मसाला का फ्लेवर छोड़ चुकी है, अभी ऐड करेंगे बासमती चावल। रिफाइंड ऑयल, सबसे पहले गाजर और बरबटी को हल्के से फ्राई कर लेंगे। बरबटी और गाजर फ्राई हो चुकी है, अभी कढ़ाई में देंगे एक चम्मच घी, करी पत्ते, अदरक, साबुत किशमिश के सब हल्के से भुनेंगे। चावल, फ्राइड गाजर और बरबटी, नमक, शक्कर, अब सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, फ्राइड राइस बन चुकी है। फ्राइड राइस का चावल एक बार देखिए, ओए होए। अभी मटन को जलाएंगे। सबसे पहले मटन की जान आलू को फ्राई करेंगे। सरसों का तेल, तेज पत्ते, हल्के से हुआ मसाला, बारीक कटी हुई प्याज, अब देंगे सारे पाउडर मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अब सारे मसाला फिर से भून जाएंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुकी है, अभी ऐड करेंगे मटन। अब मसाला और मटन अच्छी तरह से भूनना है। मटन बॉईल होने में टाइम लगेगा तो अभी भूनते समय इसको ढक ढक कर मीडियम आंच पे रखकर भूनेंगे। मसाला और मटन भून चुकी है, अभी ऐड करेंगे पानी, फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद ऐड करेंगे आलू, स्वाद अनुसार नमक, अंत में देंगे एला और दालचीनी का पेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू मटन करी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, टेबल में सज चुकी है मटन करी और फ्राइड राइस। देखिए यहाँ पर है खिला खिला बासमती चावल का फ्राइड राइस और यहाँ पर है आलू मटन करी। अगर खाने के टेबल पर ऐसा मेनू हो तो किसी के तरफ भी नजर नहीं जाएगा, सिर्फ थाली पर ही नजर रहेगा। आज के मेनू यहाँ पर ही एंड होती है, मिलते हैं नेक्स्ट।